बैजनाथ में जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु मेला ग्राउंड बैजनाथ में जनहित की आवाज संस्था ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनहित की आवाज संस्था संयोजक व पूर्व विधायक दुले राम की अगुवाई में हजारों लोगों ने बैजनाथ के पेट्रोल पंप से लेकर मेला ग्राउंड तक एक रैली का आयोजन किया, जिसमें होली उतराला बैजनाथ सड़क को लेकर तथा बैजनाथ की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व विधायक ने जनता से आह्वान किया कि कुछ समय के बाद राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट मांगने आएंगे, तो उस समय उनसे पूछना कि क्या उन्होंने जनहित के लिए कार्य किए हैं और अपने मत का प्रयोग समझदारी से करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या तथा सड़क की बदहाली को लेकर विभाग सप्ताह तक ठीक नहीं करता है तो लोग बड़ा आंदोलन करेंगे तथा अधिकारियों का घेराव कर उन्हें कार्यालय में बंद किया जाएगा। बैजनाथ उतराला होली भरमौर बड़ा भंगाल सड़क बैजनाथ पालमपुर पंचरुखी नगरोटा तथा होली तथा भरमौर बड़ा भांगला के निवासियों के लिए जीवन रेखा से कम नहीं है। सदियों से ये मार्ग यहाँ के निवासियों के लिए पैदल आने जाने का एक मार्ग है। आज भी असंख्य लोग तथा देशी विदेशी पर्यटक होली भरमौर बड़ा भांगला को इसी रास्ते से आते जाते हैं। वर्ष 2000 में इस सड़क का निर्माण कार्य भाजपा द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2003 में प्रदेश सरकार बदल गई और इसके बाद आज दिन तक इस सड़क का निर्माण कार्य पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाता तो न सिर्फ बैजनाथ पालमपुर धर्मशाला उपमंडल अपितु जिला कांगड़ा तथा जिला चंबा के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते। आप लोगों की जो समस्या है, कई बार वो मुद्दे राजनीति में गौण हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कई बार ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिसका बहुत ज्यादा जनता से लेना देना नहीं होता। तत्कालीन मुद्दों को उठाते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद वो सारे मुद्दे भूल जाते हैं। कि गांव के छोटे छोटे मुद्दे, जैसे अभी कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं आ रहा है, सड़क से नीचे की समस्या है कि वहां लोग खेती बाड़ी करते हैं, चाहे सड़क से ऊपर का इलाका है, खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है गर्मी में तो उसके उस खेत के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। तत्कालीन जो हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में लिया और उस सड़क के निर्माण का काम प्रारंभ किया। 2003 में उस सड़क का काम बड़ी तेजी से चला और 3 के बाद जैसी सरकार प्रदेश में बदली वो सड़क जो सरकार प्रदेश में बदली वो सड़क जो वो बंद हो गई। पिछली गर्मी जब थी तब निचले क्षेत्र में जिस बरसात से पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे कुछ लोगों ने एसडीएम को मेमोरेंडम दिया तो नहीं करता, उनको लगता है कि लोग इस बात के हाथी हो गए हैं, लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है और जो करते हैं थोड़ा बहुत वो आगे छोड़ देंगे, और जानवरों के कारण बहुत से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, गांव में खेती बर्बाद भी हो रही है। इन समस्याओं की तरफ आपने पिछले कम से कम मैं 2 साल का जिक्र करता हूं, कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, नसबंदी पर खर्च कर दिया और बंदर चौधरी के आधार में बने हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बैजनाथ क्षेत्र में सिंचाई के लिए सदियों से लोहर बैजनाथ नहर सूखी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस नहर पर विभाग ने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सिंचाई के लिए पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि लावारिश पशु बंदर और जंगली जानवरों से बैजनाथ में विकट समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ बस अड्डे में हजारों लोग रोजाना आते हैं, जो शौचालय बस अड्डे में बने हैं वे बेकार पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत बनने वाले स्मार्ट कार्ड बनाने में भी सरकार और प्रशासन नाकाम रहा है, बैजनाथ के लोग पिछले 15 वर्षों से गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि छोटे छोटे मुद्दों के अलावा बाकी कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है।
इस मौके पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनहित के अध्यक्ष तिलक डोगरा के नेतृत्व में एसडीएम डॉक्टर मुरारीलाल के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भी भेजा गया। के कारण लोग खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। हम धरना इस बात पे दे रहे हैं कि होली द्वारा सड़क बन रही है। हम धरना इस बात पे दे रहे हैं कि भीड़ रोड की सड़क का काम हो। हम खाती की सड़क बनाना चाहते हैं, कंगाल की सड़क बनाना चाहते हैं, हम बड़ुआ का पुल बनाना चाहते हैं, हम पीर चुवीर का पुल बनाना चाहते हैं। उस बात के लिए धरना किसी राजनीतिक पार्टी का धरना नहीं है। मुझे बताओ अब आप वापस घर जाएंगे? जो लोग अगले चुनाव में तुम्हारे पास वोट मांगने आएंगे उनसे पूछो कि आज 14 तारीख को जो बैजनाथ में हमने धरना दिया था जनहित की आवाज में उसमें कितने राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल हुए थे? हमने नहीं कहा किशोरी लाल जी इस धरने में नहीं आए, हमने नहीं कहा था। हमने आवाज दी थी सब लोगों को, धरना तो ये सड़क नहीं बन रही अभी। हमने दूसरी पार्टी के राजनीतिक नेताओं को भी कहा था, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आपके क्षेत्र की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जो आपके क्षेत्र के एमएलए बनना चाहते हैं, हमने उनको भी कहा था भी आप इस धरने में आओ, आपको आना चाहिए क्योंकि जनता का मुद्दा है। पर हिसाब से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, गांव से जुड़े मुद्दों को, माताओं बहनों से जुड़े मुद्दे को, माताओं बहनों के साथ अत्याचार ना हो, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए। और आपसे एक और निवेदन है कि